Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are watching my YouTube channel Class with Mansoor Ahmed. Today our topic is Fundamental Rights, Class 11th Political Science, Chapter Number 2nd. जो हमारा है आज इसी के बारे में हमें पढ़ना है. So Fundamental Rights को start करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि Fundamental Rights जो हैं, हमने आपको पहले ही बोला था Source of Constitutions में कि हमने इन Fundamental Rights को कहां से borrow किया है. United States of America से हमने इन Fundamental Rights को लाया है. तो जब Fundamental Rights को हमने United States of America में लाया, तो अमेरिका में इसको किस नाम से जाना जाता है Fundamental Rights को? वो वहां पे Fundamental Rights को Bill of Rights के नाम से जानते हैं. Bill of Rights, तो वो वहां पे बिल ऑफ राइट्स इसको कहते हैं. सो बिल ऑफ राइट्स जो हैं, व्हाट इज नोन एज द बिल ऑफ राइट्स, तो हम सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं बिल ऑफ राइट्स किसको कहते हैं. हम कह सकते हैं अ लिस्ट ऑफ राइट्स व्हिच आर प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन is referred as Bill of Rights. याद रखना है कि एक list of rights जिसको हम कह सकते हैं कि जो protect किया गया है किसमें, constitution में, इसको refer किया जाता है as a bill of rights, यानी कि bill of rights जो हैं इसको constitution में protect किया गया है. और finally bill of rights जो हैं protect करना होता है a list of rights, ठीक है, एक list जो rights का है जिनको protect किया जाता है constitution में, उसी को अमेरिका में refer किया जाता है bill of rights, यानी कि fundamental rights को अमेरिका में bill of rights के नाम से जाना जाता है. तो इसीलिए a bill of rights In India, a Bill of Rights is known as the Fundamental Rights. तो ये अब अगर इंडिया की हम बात करेंगे, क्योंकि हम थोड़ी अमेरिका में रहते हैं, अब इंडिया की बातें, इन इंडिया इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इन इंडिया Bill of Rights जो हैं is known as Fundamental Rights. तो Bill of Rights ही फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानी जाती है इंडिया में. सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर, ठीक है, इंक्लूडेड इन पार्ट थर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड किया गया है पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, यानी कि आर्टिकल 12 to 35 में इनको पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटाइटल किया गया, ठीक है. तो अब आगे हम पढ़ते हैं वही जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स. आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि इंडियन अब हम फंडामेंटल राइट्स यहां बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में इसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है. और बिल ऑफ राइट्स मैंने बता दिया आपको कि बिल ऑफ राइट्स किस चीज को कहते हैं, ए लिस्ट ऑफ राइट्स जो हमारे हैं, जो हमने यहां पे देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, वही लिस्ट ऑफ राइट्स जो हैं उनको कानून प्रोटेक्ट करता है, उसी को रेफर अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है. और इंडिया में इसी बिल ऑफ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है. और इंडिया में इन फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3rd ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टाइटल किया गया है, एनफोर्स किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. तो यही टॉपिक अब आगे जो है, हम फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हम कह सकते हैं अराउंड डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए एक जरूरी है जिस कंट्री में रहता है. लेकिन फंडामेंटल, अब बिफोर स्टार्ट द फंडामेंटल राइट्स, कि बिल ऑफ राइट्स में कुछ और भी चीजें लिखी गई हैं, लाइक उसमें लिखा गया है कि वी द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, विद द बिल ऑफ राइट्स में ये लिखा गया है कि लाइक जिस तरह से हम कह सकते हैं, जिस तरह से हमारी यहां फंडामेंटल राइट्स, फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ऑल सिटीजंस एंजॉय सर्टेन राइट्स, यानी कि जो सर्टेन राइट्स इंडिविजुअल्स को एंजॉय किया जाता है, जो करता है, और साथ-साथ में व्हिच गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजस, और जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है. तो फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं, ये बिल ऑफ राइट्स मान लीजिए, तो अब इसमें क्या है कि बिल ऑफ राइट्स में यही चीज भी हम कह सकते हैं कि इट लिमिट्स ऑन द आर्बिट्री यूज ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो पावर ऑफ आर्बिट्री पावर ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट जो है तो उसको भी रोक लगाता है. और दूसरी चीज, इंडियन गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट, उसमें कोई शक नहीं है, बट इट इज अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. ये कंसेंट से लोगों की, हम कह सकते हैं कि लोगों की चॉइस से बनी हुई होती है. और दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट, 5 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है, पहले 6 इयर्स तक होता था, फिर इसको 5 इयर्स तक ही टेनवर रखा गया इलेक्शन, ये
इलेक्शन के बाद, इलेक्शन हर साल 5 साल के बाद होता है, हर 5 ईयर्स के बाद होता है, लेकिन पहले पहले 6 ईयर्स तक होता था, लेकिन उसको फिर उसमें 1 ईयर कम किया गया। ठीक है, तो खैर अभी जो बात करनी है इसी के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स, वो राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, डेवलप ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, इंडिविजुअल के लिए जरूरी होते हैं। तो अब फंडामेंटल राइट्स जो हमने बताया कि इनको पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, तो पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको रखा गया, और साथ साथ में इस चीज को, बेसिक चीज में अगर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट जो है, असल में अगर सबसे पहले पीछे देखेंगे हम, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर लीडर्स 1928 में उन्होंने डिमांड उधर रखी थी, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड रखी थी, यूनिवर्सल एल्डर फ्रेंचाइज की उन्होंने उस टाइम पे डिमांड रखी थी, सोशल जस्टिस, जिस तरह से हम डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, वो चीजें उन्होंने पहले से ही डिमांड करी थी। तो इनको हम कह सकते हैं कि उसके नाम से भी जाना जाता था, मोतीलाल हम कह सकते हैं, मोतीलाल हम कह सकते हैं कि नेहरू कमेटी टॉक अबाउट दिस, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। खैर अब स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर एंटाइटल्ड एनफोर्स इन द पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो सबसे पहले देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, हमारे पास कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। तो बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन एक राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको एबॉलिश किया गया था, क्यों किया, लेकिन वो लीगल राइट फिर भी आज भी है, 300 आर्टिकल 300 ए में उसको आज भी लीगल किया गया, लेकिन उसको एबॉलिश किया गया। सो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या है, जल्दी जल्दी से हम कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी जो है ये पहला राइट हमारा है इसमें, इसी तरह से राइट टू